देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह का आज महाराजगंज आगमन पर मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नीलू की अगुवाई में जोरदार स्वागत किया गया। एमएलसी ने अपने प्रचार की शुरुआत बल्ला स्थित हनुमान मंदिर व महाराजगंज मोन्स में स्थित बाबा ओरी दास के मंदिर में पहुंचकर वहां पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए एमएलसी ने कहा कि इस बार रायबरेली में कमल खिलेगा और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि श्री सिंह ने यह भी कहा कि यह चुनाव मेरा नहीं, मेरे जनपद वासियों का है, क्योंकि आपके जनपद का यह बेटा आपके लिए सदैव तत्पर है और तत्पर रहेगा। मैंने इस चुनाव में तीन बातों को प्राथमिकताएं दी हैं, स्वाभिमान, नौजवान, किसान। इस मौके पर राष्ट्रीय परिषद सदस्य रामशंकर वर्मा, सरदार फतेह सिंह, विद्यासागर अवस्थी, दीपू अवस्थी, युवा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप, नीलू सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, अनु ऋषि सिंह, मंगली सिंह, एमएलसी प्रतिनिधि शिवम तिवारी, डॉक्टर एमपी सिंह, हैप्पी सिंह, श्यामू सिंह, लालू सिंह आदि हजारों समर्थक मौजूद रहे। रायबरेली से यूपी क्राइम न्यूज रिपोर्टर ज्ञानेंद्र अवस्थी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।